तो आज का टॉपिक है हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या है? वर्क। थोड़ा टू द पॉइंट रहता हूं, बहुत कॉन्सेप्ट बताने के बजाय। वर्क कभी भी दिया जाएगा तो आपके सामने या तो गिवन होगा वर्क ड्यू टू सम फोर्स, वर्क ड्यू टू सम फोर्स, और ये फर्स्ट फोर्स कोई भी हो सकता है, mg, टेंशन, रिएक्शन, फ्रिक्शन, sudo, या कोई भी कुछ तो वर्क होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, कोई ना कोई फोर्स होगा। या इसकी बजाय नेटवर्क होगा, यानी वर्क में दो लाइन, दो टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे, केवल दो। या तो कोई पर्टिकुलर फोर्स दे दे, वर्क डन ड्यू टू mg, वर्क डन ड्यू टू रिएक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, कुछ भी, या आपको नेटवर्क दे, नेटवर्क निकालने का। नेटवर्क एक्चुअली सम ऑफ ऑल वर्क होता है, सम ऑफ ऑल वर्क, सारे वर्क का सम। अब सारे वर्क में कौन है? जितने हैं, इवन sudo भी रहेगा, ये ध्यान रखने वाले, sudo भी सारे वर्क का सम, सही है? तो ये जो नेटवर्क है ये एक्चुअली नेट फोर्स के कारण वर्क के बराबर होगा, नेट फोर्स के कारण वर्क, यानी फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, यानी ऐसे लिख दे सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, ये नेटवर्क के बराबर होगा। और नेट फोर्स क्या करता है बच्चों? हाँ, काइनेटिक एनर्जी बनाता है, या काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है, सही है? तो अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स के कारण वर्क पूछे तो तुम पर्टिकुलर फोर्स के कारण वर्क निकाल दो, कैसे वो पढ़ेंगे। या नेटवर्क पूछे तो इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है, सुना आपने, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। यानी पहला क्वेश्चन, वर्क के क्वेश्चन को पढ़ते समय पहले दिमाग में जो अपने आप क्वेश्चन उठना चाहिए, किसने पूछा क्या है, किसी पर्टिकुलर फोर्स या नेटवर्क। नेटवर्क मतलब अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कोई फोर्स, तो नेट ही मानो, और वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सुना आपने? एक तो ये रास्ता हो गया कैसे हम सोचे, वर्क जब क्वेश्चन आए तो कैसे सोचे, सही। अब इसके आगे स्टोरी क्लियर एकदम? नोट आउट करना है क्या? नहीं ना, नोट करना है तो इसमें से देख लेना, आगे बढ़े थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो एक बार कर चुके हैं। हाँ, फोटो खींचना है तो खींच लो, लेकिन रास्ता, ये रास्ता इंपॉर्टेंट है। किसी दिन मैं अगर खड़े करके पूछूं कि चलो वर्क के बारे में पढ़ाओ तुम, तो तुम ये बताओ कि ये रास्ता है। अब पढ़ने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये रास्ता ही सब कुछ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद ये फील होना चाहिए अब, कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमें समझ में आ जाए ना कि क्या करना है। इस रास्ते को ध्यान दो, रास्ते पे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, विश्वास करो। तब दिक्कत होती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, और ये पहले से बता दे रहा है कि क्या करना है, सही। चलिए, तो वर्क के बारे में सबसे पहले तो ये, अब एक बार आपको आपने डिसाइड कर लिया कि इनमें से क्या करना है, तो अब आएगा कि वर्क कैसे निकालें। तो जब वर्क कैसे निकालें आएगा, मिल गया कि रिएक्शन के कारण वर्क, या फ्रिक्शन के कारण वर्क, या sudo वर्क, जो भी है,
तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसमें फोर्स या एंगल, या तो फोर्स या एंगल कांस्टेंट है कि वेरिएबल। कांस्टेंट होगा तो सोचने का तरीका अलग है, वेरिएबल होगा तो सोचने का तरीका अलग है। तो या तो कांस्टेंट है या उधर लिख देते हैं फोर्स और एंगल वेरिएबल। आपके सामने इस क्वेश्चन को और आसान कर देने के लिए हमने दो कैटेगरीज की बना ली है, पोलर या कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में आपके सामने ये है, जो फोर्स दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है? पोलर का मतलब क्या, पोलर का मतलब क्या होता है? जब मैग्नीट्यूड दिया हो और डायरेक्शन दिया हो, कि एक फोर्स एक मास को एस डिस्प्लेस करता है और वो उससे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगा हुआ है, यानी फोर्स दे दिया एंगल दे दिया, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड एंगल तो ये। लेकिन अगर उसका कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, आईजे के फॉर्म में, किस फॉर्म में, तो फिर हम इसकी बात करेंगे, सही है? तो यहां पे हमें दिया होगा फोर्स और एंगल, जबकि यहां पे फोर्स दिया होगा किस टाइप में, हाँ एफ एक्स आई, एफ वाई जे और एफ जेड के टाइप में दिया होगा। यही दो रास्ते हैं, वेक्टर फॉर्म में देना ही पड़ेगा, ऐसे ही वेरिएबल में भी यही दो केस, पोलर या कार्टेशियन। पोलर फॉर्म में एफ या थीटा वेरी करेगा, क्या करेगा, वेरी, जनरली थीटा वेरी करता है, जनरली कौन वेरी करता है, थीटा, जनरली क्वेश्चन जो बनता है वो थीटा वेरी करता है, सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेरी कराने के लिए एक्स वाई देना पड़ेगा, और एक्स वाई देना पड़ेगा तो उसमें चला जाएगा, कार्टेशियन में चला जाएगा, सही है। इसमें अगर वेरिएबल देगा तो आर के टर्म में देगा, और आर का वेरिएबल आप लोगों के कोर्स में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आर का वेरिएबल जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिफी, वहां पे आर वेरिएबल है, कौन सा फॉर्म है वो, पोलर फॉर्म, वो आर है, तो जहां आर वेरी करेगा वो पोलर फॉर्म, जहां पे एक्स वाई वेरी करेगा वो कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए? तो आएंगे, सब आएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जब वेरी वेरिएबल देगा तो इसमें दो केस देगा, कौन कौन सा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स केबल और केबल किस पे डिपेंड करे, एक्स पे, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स केबल और किस केबल डिपेंड करे, वाई पे, जेड वाला जेड पे डिपेंड करे, बाकी किसी पे डिपेंड, जबकि दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपके लेवल पे थोड़ा कम पड़ेंगे, मेडिकल वाले में उतना नहीं चाहिए, एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें एफ एक्स का जो फोर्स है वो वाई या जेड पे भी डिपेंड करता है, वाई या जेड पे, केवल एक्स पे डिपेंड ना करके वाई और जेड पे भी डिपेंड, वाई या जेड पे, दोनों में से कोई एक, दोनों वाला जनरली नहीं आएगा आप में, कर सकता है, एफ वाई एक्स या जेड पे डिपेंड करेगा, एफ जेड एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा, सॉरी क्लियर एकदम, ये तीन चीज, कोई प्रॉब्लम? तो इतनी चीजें आपके सामने कोई भी हो सकती है, क्लियर है सबको, जैसा क्वेश्चन वैसा अप्रोच, सही, इसमें आएगा तो केवल एक अप्रोच, केवल एक, मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, क्यों, मेरे सामने सारे क्वेश्चन खुले हुए हैं ना, मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन है ना जो मैं कराने जा रहा हूं, उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि एक लाइन, इसका मतलब समझ में आया, आपके लेवल पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो तो इसी से हो जाने वाले हैं, एक लाइन, यानी बहुत स्ट्रांगली इस फ्लो डायग्राम को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, बहुत स्ट्रांगली, जैसे ही इसमें आएगा कांस्टेंट फोर्स पोलर फॉर्म तो सीधा वर्क हो जाता है, आप पढ़ते हो, फोर्स पहचानो डिस्प्लेसमेंट पहचानो दोनों के बीच का एंगल पहचानो, सुना के सबने, बस इतना सा और ये हो जाएगा। लेकिन कई बार इसको ऐसे समझना ज्यादा आसान होता है, ये क्या है उसको समझने के लिए, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, हां यस, अगर ये फोर्स है और ये कौन है डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन है थीटा,
तो मुझे एस कॉस थीटा का मतलब समझाओ। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, एस का कॉस थीटा, यही ना। मतलब हम कह सकते कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस। यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। देखो, एक तो सबसे आसान तो ये है, फोर्स पहचानो, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, दोनों के बीच का एंगल पहचानो, एक तो सबसे आसान ही है। लेकिन इसके बाद दूसरा एक तरीका क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट रख लो और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट निकालो जो फोर्स की तरफ है, या एस इंटू एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा यानी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो कह रहा हूं इसको बार बार सुन के यही करना है, कोई क्वेश्चन सामने आएगा देखना इसके बाहर नहीं है, बस इतना ही, एकदम कॉन्फिडेंस है लगाना है, ठीक है। ये हो गया। इवन यही चीज इसमें भी लग जाता है, लेकिन कब, जब जनरली फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट रहेगा जनरली। मैंने बोला अभी ना, आर के टर्म में हो सकता है वेरी, लेकिन जैसे ग्रेविटेशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसमें आर के साथ वेरी करता है पोलर फॉर्म में, लेकिन बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या रहता है, थीटा वेरी करा देता है। क्या वेरी करा देता है? तो फोर्स पहचानो और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पहचानो। आप देखोगे कि इसी मेथड से, जिस मेथड से ये है उसी मेथड से वो भी जनरली हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो वर्क निकालोगे वो निकालोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू दोनों के बीच का एंगल का क्या, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये वेरिएबल है ना। और अगर इसमें जनरली एफ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली कॉन्स्टेंट है, तो बचा क्या, डीएस के कॉस थीटा का क्या, और डीएस का कॉस थीटा मतलब क्या, डीएस का कॉस थीटा मतलब डीएस का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ हो, और डीएस का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है वो कौन है, डीएस का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है वही क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएस का कॉस थीटा, यानी डीएस का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है। तो डीएस का, सारे डीएस का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा। समझ गए? ये छोटी सी बात है, और इतने से चैप्टर बहुत आसान ही है, अगर मतलब वर्क तो बहुत आसान है, ठीक है ना। एनर्जी तो अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन फोर्स वर्क तो बहुत आसान है, ठीक, समझा पाया हूं। अब बचा ये छोटा सा प्रॉब्लम, और ये छोटा सा प्रॉब्लम इन चारों में सबसे आसान, क्यों, क्योंकि वर्क होता है सीधा एफ एक्स नहीं एफ डॉट डी एस, यही ना, एफ ये है, डी एस कौन है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं वो ये हो गया, यहां पे डी एस कौन बताएगा, मतलब डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे और डेल्टा जेड के, यही हमारा कौन होगा, ds, ds मतलब डेल्टा s, डेल्टा s सॉरी डेल्टा s फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा s क्या है, x में चेंज i, y में चेंज j और z में चेंज k, समझा पाया हूं। और f कौन है, ये है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i का i से मल्टीप्लाई होता है ना, तो fx एक्स इंटू डेल्टा x, fy वाई इंटू और एफ जेड इंटू डेल्टा जेड होगा, काम खत्म। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, सबसे आसान इन चारों में सबसे आसान है ये। उसमें मेथड तो वही लगेगा, क्या, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, यही वर्क का मेथड तो वही लगेगा, लेकिन इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में ट्राई करेंगे। अभी हम इस पे और इस पे, ये दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, समझ गए? तो ये फोटो खींचना है तो खींच लो। चलिए अब एक एक करके ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसको ऐसे समझिए।
अगर एक पार्टिकल मैंने ऐसे फेंका और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करूं? जहां से जहां गया फाइनली, वहां से जिस पे जिस डायरेक्शन में देखना है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जहां पे परपेंडिकुलर कट करेगा यही तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। और वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे जहां आएगा उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई। समझा पाया? अब देखना वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा बदल रहे हैं। ये x है, ये y कर लेते हैं, ये x और ये y, ये नहीं। अब मैं x में डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं तो क्या करूंगा? स्टेप तो वही होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा x पे और x में जहां वो परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो डिस्टेंस x डिस्प्लेसमेंट, और y में जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन निकालने के लिए उस डायरेक्शन में क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या ड्रॉप करते हैं? सुना सबने? ये जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो जाएगा। पहले बोलो। चलिए तो ये पता चल गया, तो अब कोई भी फोर्स लगाओगे तो फोर्स बताएगा कि मैं ये जो एक्स जैसे डायरेक्शन है या वाई है वैसे, वो फोर्स बताएगा कि ये एक डायरेक्शन है और हमें डिस्प्लेसमेंट का उस तरफ कंपोनेंट निकालना है। बस स्टोरी क्लियर एकदम? जैसे कि दो तीन क्वेश्चन मैं कराता हूं इस पे। तुम्हें याद होगा क्वेश्चन कराया है मैंने, लेकिन कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझाने की बात है। ये 1/4 ऑफ सर्किल है ये, और फोर्स क्या रखा हमने? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स किस तरफ लगा दिया है? हॉरिजॉन्टल। और पार्टिकल यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है, बस ये तीनों चीज दिमाग में रहे तो काफी हद तक सारी प्रॉब्लम होने वाली है। यहां पर मैंने फोर्स की डायरेक्शन लगातार बदल दी है, और किधर लगा दिया है? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या अलोंग द सरफेस। समझ गए? ये लगा दिया दूसरा। लेकिन तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं रटा रहा हूं। ये रटाऊंगा या चलो उसको बाद में बताऊंगा। वो वेरिएबल है, असल में एंगल वेरी कर रहा है तो वो उधर वाला है, यानी वेरिएबल एंगल, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत फेमस है, एसटीबी का क्वेश्चन है कि यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, सही है। ये सारे क्वेश्चन कॉमन इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों चारों जितने भी मुझे मिले हैं क्वेश्चन वो सब मैंने मेरे सामने हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट मास रखा हुआ है और ये इंक्लाइन प्लेन है और यहां पे फ्रिक्शन है और ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो टी टाइम में वर्क डन, कितने देर में? टी टाइम में वर्क डन। ये एंगल कितना है? थीटा। मास कितना है? एम। एक और क्वेश्चन चौथा कौन सा बताया था याद करो? शूडो वाला। एक स्फीयर है जिसके ऊपर क्या रखा है? एक मास। और ये जो स्फीयर है वो ए एक्सेलरेशन से खींच दिया गया। अगर ए एक्सेलरेशन से खींच दिया गया तो ये पीछे की तरफ भागेगा। तो यहां पे अब ये चार क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है वर्क डन बाय एफ, यहां पे भी क्या है? कांस्टेंट फोर्स है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? बदल रही है। समझ गए? वर्क डन बाय एफ, यहां पे भी, यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कौन है ये? फ्रिक्शन। और यहां पे वर्क डन बाय दो चीज, mg एंड वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। ये दो क्वेश्चन, समझ गए क्वेश्चन क्या है एक एक करके? तो सीधा सा फोर्स पहचानो, और ये दिख रहा है यहां से यहां तक? तो ये पार्टिकल जो चल रहा है उसको देख रहे, देख पा रहे हो? ये जो पार्टिकल चल रहा है वो ये यहां से चला ना ऐसे। तो मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जाता है?
फोर्स की डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन से क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये किसके बराबर है? आर के बराबर। इसलिए वर्क डन हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सीधा क्या? आर। काम खत्म। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जबकि एक्चुअल में एंगल बदल रहा है। वेरिएबल वाले तरीके से करोगे तो बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन आएगा वही। नहीं, एकदम कर सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स मतलब उल्टा, हाँ एकदम कर सकते हैं। सही है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये कन्फ्यूज करता है। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बोलो। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, पूरा डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आसान नहीं है, परेशान करता है ये। सुना क्या सबने? तो यहां पे जो वर्क होगा, फोर्स एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया 2πr/4। हम इसको डिराइव कर सकते हैं वेरिएबल तरीके से। वेरिएबल तरीके से क्या कर सकते हैं? डिराइव, वो अलग बात है। वो वेरिएबल वाले तरीके से करेंगे, एफ डॉट डी एक्स डी थीटा करके वो कर लेंगे, वेरिएबल तरीके से कर लेंगे। समझ गए? यहां बताओ, वी वेलोसिटी से यहां पे क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टाइम टी, टाइम टी। तो टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ जाएगा? वी टी। तो ये मास भी कितना आगे जाएगा? वी टी। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है फोर्स का, ये फोर्स यही है ना, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना चलेगा? वी टी। याद रहे डिस्प्लेसमेंट किसका लेते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। किसका लेते हैं? यानी जो हमने फोर्स लगाया है, जिस पॉइंट लगाया वो कितना चला उसका लेते हैं। याद रहेगा? वर्क डन किसके कारण पूछा है वो देखो। हाँ आएगा, वो आएगा। समझ गई ये? तो हमें क्या चाहिए? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या एफ देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो। कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके तो अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स कितना सरक रहा है क्या? देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे वर्क डन जीरो कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे वर्क डन क्या कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? उनको लगता है कि सरक तो रहा ही नहीं है। अरे उसको नहीं देखते, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मूवमेंट देखते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो यहां से खिसक के यहां चला गया ना लिफ्ट के साथ। तो फोर्स पहचानो एम जी का साइन थीटा। नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ऊपर जाता, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर जाता क्या? नहीं। इसका मतलब कि उसका मूवमेंट किसके कारण है? समझ गए? तो फोर्स पहचानो, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना रोकने के लिए जितना चाहिए mg का, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना vt, और दोनों के बीच का एंगल बताओ। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो क्या cos 90 माइनस थीटा। समझा पाए हो क्या बच्चों? फोर्स पहचानो, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, दोनों के बीच का एंगल पहचानो। कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा, काम खत्म, एकदम आसान। आगे यहां पे स्यूडो फोर्स एम ए, यही ना, और ग्रेविटी एम जी। क्वेश्चन ये है कि जब ये थीटा घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा? थीटा, तब वर्क। थीटा घूम जाएगा तब वर्क। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स कौन बताएगा? नहीं, फिर से एक एक करके, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल मूवमेंट ये है और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, यही है ना। तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक हुई कि नहीं है? कि नहीं? अरे यहां पे ये तो यही है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। समझ गए? तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? आर, यानी स्यूडो फोर्स कितना होता है? एम ए इंटू। समझा पाए हो बच्चों? काम खत्म। और वर्क डन ड्यू टू एम जी, एम जी इंटू, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी।
आर वन माइनस, समझा पाया हूँ? ये बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन, काम खत्म करो। अब देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा ना, वर्क का कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी होता है, वो तो एनर्जी में जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, वर्क का क्वेश्चन तो क्या बनेगा। मान लो ये कोई मास है, मास है, और वो यहाँ से यहाँ तक सरक जाता है, ये कितना एंगल है? थीटा एस। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एम जी, रिएक्शन, फ्रिक्शन भी लगा लो चाहो तो, म्यू आर है कि नहीं? जब सरक रहा है तो म्यू आर ही लगेगा, सरक रहा है ना, और कोई फोर्स नहीं, चाहो तो एफ भी लगा सकते हो, चाहो तो एफ लगा सकते हो, लगा दो एफ, ये लो एफ लगा देता हूँ। अब मैं वर्क डन बाय एफ, एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो, फोर्स पहचानो, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, दोनों के बीच का एंगल पहचानो, काम करो। वर्क डन ड्यू टू रिएक्शन, फोर्स पहचानो, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, दोनों के बीच का एंगल पहचानो, यही ना। वर्क डन ड्यू टू एम जी, फोर्स पहचानो, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, है ना, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल पहचानो, 90 माइनस, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। वर्क डन ड्यू टू और क्या चाहिए? फ्रिक्शन। फोर्स पहचानो म्यू आर, यही ना। डिस्प्लेसमेंट पहचानो, दोनों के बीच का एंगल पहचानो। अरे सारी चीजें क्लियर है एकदम? तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, सारे फोर्स को जोड़ दो, सारे वर्क को, सॉरी सम ऑफ ऑल वर्क, यही क्या हो जाएगा? नेटवर्क। और नेटवर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन, यही वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? क्लियर हुआ? बस ये हो गया सिंपल सा तरीका। अरे इससे ज़्यादा नहीं आता आप में, बता रहा हूँ इतना ही आता है, बस ठीक से पहचानने की जरूरत है। मैं, हम लोग ज़्यादा पढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही आता है, आप लोगों में तो बस यही आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन को हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, म्यू आर कितना है बच्चों? आर एम जी का इंटू एस, माइनस में ना, ये कितना है? एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा कितना है? एस कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल, तो सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सुना क्या सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे? फ्रिक्शन कितना दिया है? म्यू, और एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया और वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां पे जाके रुक गया, गिर गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर ये लेंथ बेस वाला कितना है? एल, तो म्यू एम जी इंटू एल, काम खत्म, म्यू एम जी इंटू एल इतना ही रहेगा, क्या समझे? अरे बोलो, इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल मतलब वेरिएबल है तो भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। सुना कि नहीं सबने? माइनस टाइम्स, कोई दिक्कत? वो लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन।